इसमें आपको सबसे बड़ी बात मिलती है वो है एडास के फीचर्स, यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लेन की बसेस में देखिए ऑटोमेटिकली गाड़ी सामने वाली लेन को यहाँ पे फॉलो कर रही है। पच्चीस साल इंडियन मार्केट में टिके रहना आसान बात नहीं है, लेकिन वो करके दिखाया है होंडा की सिटी ने। 1998 में पहली बार भारत में ये गाड़ी आई थी, उसके बाद 2002, 2008, 2014 और 2020 में इसके नेक्स्ट जनरेशन मार्केट में आए थे। होंडा सिटी से कम्पीट करने के लिए स्कोडा रैपिड, फोक्सवैगन वेंटो, मारुति सुजुकी SX4, मारुति सुजुकी सियाज मार्केट में आई, ह्युंडई वर्ना भी मार्केट में आई, लेकिन 10 से 20 लाख रुपए की इस प्राइस रेंज में अनडाउटेड लीडर है सिर्फ होंडा की ये सिटी। अब मार्च 2023 में होंडा लेके आए है फिफ्थ जनरेशन सिटी का फेसलिफ्ट, जो कि BS6 के फेस 2 के नॉर्म्स को कंप्लाई करता है। इसके साथ कुछ माइनर यहाँ पे कॉस्मेटिक चेंजेस भी दिए गए, हम उसके बारे में भी आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल थैंक्स टू ऋषभ होंडा नासिक, जिन्होंने ये गाड़ी रिव्यू के लिए दी है। अगर आप नासिक या अराउंड रीजन से है तो हैसल फ्री होंडा कार बाइंग एक्सपीरियंस के लिए जरूर कॉन्टेक्ट करिए। फ्रंट व्यू की बात करें तो सिटी फिफ्थ जनरेशन BS फेस 2 वेरिएंट कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये जो विंग एलिमेंट जो होता है वो यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया है, और फॉग लैम्प की जो हाउसिंग है वो पहले सिटी से यानी फिफ्थ जनरेशन सिटी से थोड़ी यहाँ पे अलग हो चुकी है। इसमें आपको नया ग्रिल देखने को मिल जाता है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे डायमंड चेकर्ड ग्रिल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो पहले यहाँ पे लाइंस हुआ करती थी। हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको 9 एलिमेंट LED हेडलाइट मिल जाता है, साथ ही आपको LED DRLs मिल जाते हैं और इंडिकेटर्स भी LED में दिए गए हैं। सेंटर में यहाँ पे होंडा का लोगो, नीचे अगर हम देखें तो ये लोअर बम्पर जो है ये कार्बन फिनिश में यहाँ पे दिया गया है। तो साइड व्यू कुछ इस प्रकार से है इस गाड़ी का, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अगर हम नोटिस करें तो ये देखिए यहाँ पे कुछ स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बस ये एक नई चीज़ है। इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो है सिटी फिफ्थ जनरेशन से थोड़े अलग यहाँ पे दिए गए हैं। गाड़ी में 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, आगे लगे हैं डिस्क ब्रेक्स और पीछे है ड्रम ब्रेक्स, साथ ही 185mm प्रोफाइल के टायर्स इसमें लगे हैं। रियर व्यू की बात करें तो कुछ इस प्रकार से दिखती है होंडा सिटी। इसमें आपको जेड शेप के LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं, जो कि 3D में यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सिटी बैजिंग, होंडा का लोगो, नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन फिनिश के स्किड प्लेट्स दिए गए हैं। इसके अलावा ऊपर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा और नीचे आपको 4 सेंसर्स भी मिल जाते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो होंडा सिटी में आपको 506 लीटर्स की बढ़िया बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे नीचे इसका स्पेयर व्हील जो कि एक स्टील रिम है। इस गाड़ी के साथ आपको कुछ इस प्रकार की मिल जाती है। तो ये एक स्मार्ट रिमोट की है जिसके साथ हम गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते और गाड़ी का AC भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं इसको लॉक कर देता हूँ, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए ये स्टार्ट हो गई है। तो वापस गाड़ी बंद करने के लिए मैं इसी बटन को प्रेस करके रखूँगा, ये हो गई है बंद। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कैसा है इसका इंटीरियर। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है होंडा सिटी का इंटीरियर, कम्प्लीटली ब्लैक और आइवरी कलर में ये दिया गया है। काफ़ी लग्जरियस और प्रीमियम फीलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर का जो पोर्शन है वो यहाँ पे ब्लैक में नज़र आता है कम्प्लीटली, और यहाँ से नीचे का जो है वो आइवरी या फिर बेज कलर में फिनिश किया गया यहाँ पे नज़र आता है। यहाँ पे कुछ सॉफ्ट लेदर का एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है विथ स्टिचिंग, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहाँ पे वुडन फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। AC वेंट्स के बाजू में भी मेटालिक फिनिश दी गई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए ये एनालॉग दिख रहा है लेकिन ये कम्प्लीटली एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। गाड़ी के सेंटर में लगी है 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। यहाँ पे नीचे है AC के कंट्रोल्स, उसके नीचे अगर हम देखें तो USB के 2 पोर्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। इसका इस प्रकार से गियर नॉब है जो कि लेदर में रैप किया गया है।
यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे है इसका आर्म रेस्ट, उसके नीचे भी यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगी। इसके ग्लव बॉक्स को अगर हम देखें तो इस प्रकार का ये दिया गया है, ये एक कूल ग्लव बॉक्स नहीं है। यहाँ पे है इसके कैबिन लैंप्स, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिल जाता है। गाड़ी में आपको कुछ इस प्रकार का लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, यहाँ पे एक सिल्वर एलिमेंट दिया गया है, इसमें भी एक एयरबैग लगी है और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं। जबकि इसमें एडास के फीचर्स लगे तो लेन असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये फीचर्स भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में होंडा का लोगो। इसके स्टीयरिंग व्हील में आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक का फंक्शन मिल जाता है। ड्राइवर साइड के डोर में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। इन मिरर्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट और रिट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो डीमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर, यहाँ पे है को ड्राइवर साइड का सनवाइज़र, यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है। ये है ड्राइवर साइड का सनवाइज़र, इसमें भी आपको मिरर मिल जाता है। तो गाड़ी में आपको इस प्रकार के लेदर सीट्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड सीट को आप मैन्युअली फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैक रेस्ट को इंक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो, साथ ही इसकी हाइट भी आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का है रियर सीट, यहाँ पे भी आपको तीन हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सेंटर में है एक आर्मरेस्ट जिसमें कप होल्डर्स मिल जाते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एसी वेंट, नीचे अगर हम देखें तो 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ पे दो मिल जाते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे है कैबिन लाइट्स, रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे सनशेड्स। तो अब बात करते हैं इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस की। होंडा सिटी में लगा है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये इंजन 119 एचपी की पावर और साथ ही 145 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है तो इसमें 7 स्पीड सीवीटी गियरबॉक्स लगा है। अगर मैनुअल की बात करें तो उसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। देखिए, गाड़ी का इंजन टर्बोचार्ज नहीं है, ये एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ही बटरी स्मूथ ये इंजन है और काफी क्लीन और लीनियर तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो होंडा की कार्स बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन कंफर्ट और लग्जरी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको इन गाड़ियों में मिल जाता है। तो फिफ्थ जनरेशन का ये जो अब नया वेरिएंट आया है जो BS6 का फेज 2 के नॉर्म्स को कम्प्लाई करता है, इसमें आपको सबसे बड़ी बात मिलती है वो है एडास के फीचर्स, यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। इसमें आपको कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम मिलती है, अगर अचानक कोई सामने आके रुक जाता है ये गाड़ी डिटेक्ट कर लेगी और ब्रेक अप्लाई करेगी। इसके अलावा गाड़ी में लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाती है, अगर आप इस लेन से डेविएट हो जाते हो तो गाड़ी आपको वार्न करेगी। इसके अलावा गाड़ी में आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है। क्रूज कंट्रोल में अगर आप गाड़ी की स्पीड को सेट कर देते हो 60 या 70 पे तो वो अपने आप चलती रहती है, लेकिन एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या होता है, ये जो यहाँ पे एडास का सिस्टम लगा है, यहाँ पे कैमरा सिस्टम होते हैं, सेंसर्स होते हैं, वो अगर आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है वो 50 की स्पीड पे है और आपने स्पीड सेट किया है 70 का, तो ये गाड़ी डिटेक्ट कर लेगी कि सामने वाली गाड़ी 70 पे नहीं, ये 50 पे है, तो ये खुद से ही ब्रेक अप्लाई करके ये 50 की स्पीड पे लेके आएगी। ये है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। इसके अलावा गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट मिल जाता है। हाई बीम इंडिया में बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम है, सामने से आती गाड़ियों की हाई बीम जो आती है वो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट कर देती है और इससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ऑटोमेटिक हाई बीम में क्या होता है कि जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली हाई बीम से लो बीम में शिफ्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और फीचर मिलता है लीड कार डिपार्चर। जब आप सिग्नल पे खड़े रहते हो या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हो, आप रुक जाते हो और अचानक से आपका ध्यान कहीं और निकल जाता है, तो उस वक्त अगर सामने वाली गाड़ी निकल जाती है तो ये गाड़ी आपको नोटिफाई करेगी अब आपको आगे चलना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेन की बसिस में देखिए ऑटोमेटिकली गाड़ी सामने वाली लेन को यहाँ पे फॉलो कर रही है। इसमें आपको लेन वॉच कैमरा मिल जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैमरा उस लेफ्ट साइड मिरर में माउंट किया गया है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है और मुझे यहाँ पे दिख रहा है और काफी एक अच्छा फीचर है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, लेन वॉच कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर, पिंच गार्ड विंडोज, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प और ABS विथ EBD मिल जाता है, साथ ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है। प्राइस की बात करें तो होंडा सिटी ZX पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत है 15,97,000, जो कि एक एक्स शोरूम प्राइस है।